नमस्कार दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डायरी स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में बीए पार्ट फर्स्ट के जो स्टूडेंट हैं, चाहे नॉन कॉलेज के स्टूडेंट हो चाहे रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट हो, उनके प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गए हैं। जिस भी सब्जेक्ट में मेन सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है, उन सब के प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गए हैं। तो इस वीडियो में अपन भूगोल का जो प्रैक्टिकल है उस पर अपन बात करने वाले हैं। ये वीडियो नॉन कॉलेज और रेगुलर कॉलेज दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोनों का सिलेबस पैटर्न एक ही है। थोड़ा बहुत अंतर है, नॉन कॉलेज के स्टूडेंटों के सेमेस्टर फर्स्ट का भी प्रैक्टिकल रह रहा है और सेमेस्टर सेकंड का भी रह रहा है। रेगुलर स्टूडेंटों का सेमेस्टर फर्स्ट का प्रैक्टिकल पहले लग चुका था, अब जो सेकंड सेमेस्टर है उनका प्रैक्टिकल अब लगेगा। कुछ जो कॉलेज हैं उनके उनके अंदर आने जो ये प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है नॉन की और रेगुलर की, यानी प्रैक्टिकल डेट वहाँ पर आ गई है, उन्होंने नोटिस डाल दिया है। जिनके भी उन कॉलेजों में है उनके प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, तो नॉन कॉलेज के स्टूडेंटों को कैसे पता चलेगा कि उनका प्रैक्टिकल कब है? तो जो आप एडमिट कार्ड निकालोगे उसमें वो सेंटर दे रखा होगा, डेट नहीं दे रखी होगी, वहाँ पर सेंटर दे रखा होगा, उस सेंटर पर वहाँ पर जाना है, उस कॉलेज में जाना है और कॉलेज में जाकर वहाँ पर पता करना है ज्योग्राफी विभाग से कि कब उनके प्रैक्टिकल स्टार्ट हो रहे हैं। जल्दी से जल्दी ये चीज़ करनी है, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बढ़िया तरीके से बताया था, नहीं तो आपका प्रैक्टिकल छूट जाएगा। तो बात कर लेते हैं एक एक करके, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन है ना, जो सिलेबस की तो अपन बात बाद में बात करेंगे, मैं स्क्रीनशॉट दे दूंगा आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके, वो सिलेबस आप देख रहे हैं। सबसे पहले अपन पैटर्न समझते हैं और पूरी प्रक्रिया समझेंगे, क्योंकि मैं भी ज्योग्राफी सब्जेक्ट से रहा हूँ, ज्योग्राफी सब्जेक्ट मेरे कॉलेज में रही और मैंने बढ़िया तरीके से प्रैक्टिकल दिया था। गवर्नमेंट कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन की थी तो मुझे पूरी प्रक्रिया पता है कि वहाँ पर एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर सेमेस्टर फर्स्ट में सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं टोटल मार्क्स की, कि कितने अंकों का रेगुलर कॉलेज का होने वाला है। रेगुलर कॉलेज का फर्स्ट सेमेस्टर का 40 अंकों का हुआ था, आपने भी देखा होगा। एक बार और समझा देता हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो, जिसमें से आपको पास होने के लिए प्रैक्टिकल में 16 अंक लाने होते हैं 40 में से। ठीक है, यहाँ पर एक बात और ध्यान रखा, 10 अंक जो है ना आपके, इन 40 अंकों के अलावा कॉलेज से भेजे जाते हैं, उनमें से आपके वो कितने भी भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब जो नॉन कॉलेज के स्टूडेंट हैं उनको विशेष रूप से यहाँ पर समझना है, क्योंकि रेगुलर कॉलेज वाले तो ये सेमेस्टर फर्स्ट दे चुके हैं। तो यहाँ पर है ना, जो 50 अंकों का आपका पूरा का पूरा प्रैक्टिकल होने वाला है, क्योंकि आपके मिड टर्म एग्ज़ाम के कॉलेजों से 10 अंक है ना नहीं भेजे जाएंगे, और ये 10 अंक है ना जो इस 50 अंक में काउंट कर दिए, तो पूरा का पूरा प्रैक्टिकल सेमेस्टर फर्स्ट का आपका 50 अंकों का होने वाला है, जिसमें से पास होने के लिए आपको 20 अंक लाने होंगे। यदि प्रैक्टिकल में पास होना है सेमेस्टर फर्स्ट में तो आपको 20 अंक लाने होंगे। ये चीज़ आपको यहाँ तक आपकी क्लियर हो गई होगी। इसके बाद में प्रैक्टिकल पैटर्न क्या रहने वाला है, तो आपको तीन प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। सबसे पहली जो प्रक्रिया रहने वाली है वो रिटन टेस्ट होगा, यानी आपकी एग्ज़ाम लगेगी वहाँ पर, और जो रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट हैं उन रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंटों की जो रिटन एग्ज़ाम है वो 20 अंकों की रहने वाली है। 2 घंटे में ये एग्ज़ाम करवाई जाएगी, टाइम आपको क्या दे रखा है 2 घंटे। ठीक है, अब कितने क्वेश्चन दे रखे होंगे ये भी तो आपको पता होना चाहिए ना, तो इसमें कितने क्वेश्चन देंगे। जैसे ये जो सेमेस्टर फर्स्ट है इसका सिलेबस आप देखोगे तो 2 यूनिटों में बटा हुआ है, यूनिट फर्स्ट यूनिट सेकेंड। तो वो यूनिट फर्स्ट जो है उससे 3 क्वेश्चन बनाकर देगा, और यूनिट सेकंड जो होगी उससे 3 क्वेश्चन बनाकर देगा, तो टोटल 6 क्वेश्चन हो गए। तो प्रत्येक यूनिट से, यानी पहली यूनिट से जो 3 क्वेश्चन आएंगे उसमें से आपको 2 करना है, और जो सेकंड यूनिट से 3 क्वेश्चन आएंगे उसमें से आपको 2 करना है, यानी लगभग लगभग आप ऐसा बोल सकते हो कि 6 क्वेश्चनों में से आपको 4 क्वेश्चन हल करने हैं वहाँ पर, और ये टोटल मार्क्स रेगुलर स्टूडेंटों का 20 अंकों का रहने वाला है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, वो 2 घंटे में पेपर हो जाएगा। इसके बाद में रेगुलर स्टूडेंटों का तो गया, नॉन कॉलेज के स्टूडेंटों का क्या होगा? नॉन कॉलेज के स्टूडेंटों का भी यही पैटर्न चलने वाला है, उनके टोटल 6 क्वेश्चन देंगे, 3-3 और 2-2 आपको करने हैं, यानी 4 क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, उनके भी 20 मार्क्स का ही रहने वाला है, 2 घंटे का पेपर रहने वाला है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। इसके बाद में यदि मॉडल और चार्ट आपने बनाना है, ठीक है, आपके सिलेबस में वैसे दे रखा है कि सेमेस्टर फर्स्ट में मॉडल और चार्ट बनाना है, सेमेस्टर सेकेंड में मॉडल और चार्ट नहीं बनाना है, यहाँ पर फाइलें बनेंगी। ठीक है, इसके बाद में जो वाइवा होता है वो होगा, तो ये जो टेस्ट होगा वो देने के बाद में आपके मॉडल और चार्ट और ये ले लिया जाएंगे। उसके बाद देखो
यहाँ पर है ना जो मॉडल और चार्ट कितने का, 7 अंक का है, और जो वाइवा होगा जो साक्षात्कार लिया जाएगा ये ग्रुप में लिया जाएगा, नॉर्मल होगा ठीक है, ये 3 अंक का ही होगा। तो 10 अंक का है ना जो ये सारा का सारा हो जाता है ठीक है, रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट होगा, नॉन कॉलेज के स्टूडेंट होगा, ये 1 घंटे में हो जाएगा ठीक है, टाइम दे रखा है वैसे ही। इसके बाद में रिकॉर्ड वर्क और वाइवा जो भी है आपका, यहाँ पर रिकॉर्ड वर्क का मतलब क्या है, यहाँ पर है ना जो आपके फाइलें हैं ना, जो आपने जो फाइल बनाई है वो यहाँ पर ले ली जाएगी ठीक है। यहाँ पर है ना जो वो वर्क भी करवा सकते हैं आपके फील्ड में, तो यहाँ पर तो फील्ड का तो दे नहीं रखा, सेमेस्टर सेकंड में दे रखा है ठीक है। यहाँ पर ये आप देखोगे तो 20, 10 और 40 अंक हो रहे हैं, तो ये तो रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंटों के हैं, और वो 10 अंक और जोड़ देगा, 10 अंक इन 40 अंकों में से वो कैसे कैसे जोड़कर बढ़ाकर दे सकता है, क्वेश्चन भी बढ़ा सकता है। तो ये 10 अंक है ना जो इसमें कवर करेगा नॉन कॉलेज के स्टूडेंट होगा ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। सेमेस्टर सेकंड में देख लेते हैं कि क्या क्या रहने वाला है। अंकों की बात करें तो सेमेस्टर फर्स्ट में जो पैटर्न लागू हुआ वो सेकेंड सेमेस्टर में भी वो लागू होगा, कोई चेंज नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो रेगुलर जो स्टूडेंट है उनके 40 अंक यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी हैं, 16 अंक यहाँ पर भी लाने हैं, यहाँ पर भी लाने हैं। नॉन कॉलेज का भी वही रहने वाला है, 50 अंकों का रहने वाला है जैसा कि यहाँ पर रहा। बस थोड़ा सा अंतर यहाँ पर आ जाता है कि ये रिटन टेस्ट तो लगेगा ठीक है, इसमें भी लग रहा है, इसमें भी लग रहा है। ये जो फील्ड सर्वे होता है इसमें क्या होता है कि आपको जैसे ही आपकी एग्ज़ाम लग जाएगी उसके बाद में आपको एक शीट दी जाएगी, और यानी एक प्रकार से पेज ही होता है, और आपको ग्राउंड में भेज दिया जाएगा। अब आपको अकेले नहीं भेजा जाएगा, जो ग्रुप में हैं आपके जो ग्रुप में हैं वो सारे के सारे वहाँ पर जाएंगे, और जो विधि बताई जाएगी उससे आपको प्रैक्टिकल करना होगा। यानी फील्ड सर्वे में जो नापजोक होती है और जो विधि आपको दी गई है उस विधि के आधार पर आपको प्रैक्टिकल करना होता है और उस सीट में लिखना होता है। तो आपका जो ग्रुप है उसके साथ में भेजा जाएगा, आपको अकेले नहीं भेजा जाएगा कि आप अकेले करके आओ, ग्रुप में होता है ये सारी सारी चीज़ें। तो इसे फील्ड सर्वे बोलते हैं, और वहाँ पर है ना जो वाइवा भी हो सकता है, तो 7 अंक का तो आपका फील्ड सर्वे हो जाएगा, और 3 अंक का है ना जो आपका ये वाइवा हो जाएगा, तो टोटल 10 अंकों का हो जाएगा, और आपको 1 घंटा दिया जाएगा। यहाँ पर बात आती है कि इसकी मैं बात करूँ तो रिटन टेस्ट जो होगा उसमें भी यही पैटर्न चलने वाला है, आपके दोनों यूनिट इसमें भी दे रखी होंगी, इसमें भी दे रखी होंगी, यानी सिलेबस 2 यूनिटों का इसका भी होगा, और दूसरा जो सिलेबस होगा उसमें 2 यूनिट होंगी, तो इसका सिलेबस और इसका सिलेबस अलग अलग होगा, एक नहीं होगा ठीक है। अभी मैं स्क्रीनशॉट आपको दे दूंगा। इसके बाद में रिकॉर्ड जो फाइल होती है वो, और यहाँ पर भी फाइल से संबंधित जो लिखा है उसमें उससे संबंधित आपको कुछ पूछ सकता है, उस पर निर्भर करेगा। तो 7+3 रहने वाला है, यानी 10 अंकों का ये रहेगा, जिसमें से आपको यानी 1 घंटे में ये सारी सारी चीज़ें हो जाएंगी, और उसके बाद में आपको घर भेज दिया जाएगा। ये 10 अंक क्यों लिखे हैं मैंने, क्योंकि ये 10 अंक है ना जो यहाँ पर, ये टोटल आप लगाओगे तो 40 अंक हो रहे हैं, ये 10 अंक और जोड़ेगा नॉन कॉलेज के स्टूडेंटों के लिए जोड़ेगा, रेगुलर कॉलेज के लिए तो यही पैटर्न चलने वाला है। लेकिन बस ये 10 अंक है ना मिड टर्म एग्ज़ाम के इनके भेजे नहीं जाते, तो ये 10 अंक है ना जो इसमें जोड़ेगा किसी प्रकार से। तो यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है जो टोटल मार्क्स हैं वो इन दोनों में सेम रहने वाले हैं, पर सिलेबस का अंतर है कि जो 2 यूनिट इसमें दे रखे हैं वो सिलेबस इससे अलग है, इसमें 2 यूनिट है, इसमें 2 यूनिट है, लेकिन सिलेबस दोनों का अलग अलग है और कोई अंतर नहीं है। तो सेमेस्टर फर्स्ट का जो मेरे राइट साइड में जो दिख रहा है आपको, वो आपका सेमेस्टर फर्स्ट का सिलेबस है, जो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, हिंदी में ट्रांसलेट इसको कर दिया है मैंने ठीक है, इंग्लिश में दे रखा था, ले लिया होगा। अब सेमेस्टर सेकेंड का ये है ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया तरीके से, और सेमेस्टर सेकेंड का ये है, नॉन और रेगुलर का एक ही है, तो जो रेगुलर स्टूडेंट है वो भी इसका ले सकते हो। तो बढ़िया तरीके से फ्रेंड्स मैंने बढ़िया तरीके से आपको समझा दिया है, और ये सारी सारी चीज़ें होने वाली हैं। पहले क्या होता था कि दोनों सेमेस्टरों को एक साथ ले लिया जाता था, 10 सेमेस्टर नाम का कोई चीज़ नहीं था, 50 अंक ये 50 अंक ये, तो 100 अंकों का एक साथ ले लिया जाता था, यानी पूरा का पूरा सिलेबस 4 यूनिटों में बटा हुआ होता था, लेकिन इसके 2 भाग बांट दिए सेमेस्टर के अनुसार। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।